जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने की नीयत से फायर करने वाले अज्ञात मोटरसाइकिल सवार चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे घटना में प्रयुक्त करने वाले देसी एक पिस्टल, एक कट्टा, दो कारतूस एवं दो मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी की जुबानी पूरे मामले की कहानी। बंदूक से फायर किया गया था एक के घर के सामने, चित्राम पटेल के घर के सामने, और वो कार पे फायरिंग किया गया था। वो फायर इस हिसाब से था कि जो आरोपी हैं और उनकी दुश्मनी चल रही उसके परिवार से, एक प्रकार से जान से मारने की नीयत से वो फायर किया गया था। और उसमें जो चित्राम पटेल के लड़के हैं उनकी बाल बाल बचा है, तो चित्राम पटेल की ओर से एफ आई आर दर्ज की गई थाना संजीव नगर में धारा 307 IPC की, और ये पहचान की गई CCTV और चश्मदीद साक्षियों के माध्यम से कि ये लोग कौन हैं। तो ये पता चला कि एक बाइक जिसमें गुर्जर लिखा हुआ था उससे आए हैं, और इनकी पहचान भी स्थापित हुई। तो जहां के पते ठिकाने पर रात में जो जिला जबलपुर में रात्रि गश्त में जितनी भी पुलिस थी, तो CSP कोतवाली के निर्देशन में ये पूरी सर्च की गई और इन्होंने पूरा भागने का प्रयास किया गया। तो इनको इनके संबंधित ठिकानों पर और इनके जहाँ जहाँ ये भाग रहे थे को घेर करके पकड़ा गया। तो इनमें चार आरोपी हैं और इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये पुलिस से बल प्रयोग करके भागे, और इनको भागने में गिरने पड़ने में कुछ चोट भी आई है। तो ये चारों मुलजिम को पकड़ा गया, और ये आरोपी में एक आरोपी जो मेन है इनमें मुकेश पटेल, जिसके कि जिला जबलपुर के अधिक थानों में करीबन 11 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं, और इसके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जा सकती है ये इसके अभी साक्ष्य के आधार पर हम अभी देखते हैं कि, क्योंकि ये आए दिन जो है इसकी अपराधी गतिविधियों में लिप्त है, और दिसंबर में ये जेल से छूट के आया था, उसके बाद से लगातार कोई ना कोई अपराध कर रहा है, और किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपराध में लगातार लिप्त है। तो इस पर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, चारों अपराधियों को जो है जेल के लिए रवाना किया। बाकी